ये उस काल की लंच प्लेट है, ये बैलेंस रॉक है दोस्तों। अगर ताकत नहीं लगाई तो हम सीधा जाएंगे वो कैनल के जो डोर है उधर, वो है तुंगभद्रा रिवर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हम्पी। अभी मैं फ़िलहाल हूँ हम्पी कर्नाटका में। मैं कल ही पहुँच गया था और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हम्पी, सो लेट्स गो। सो गाइस, सुबह के बच्चों के साथ अभी मैं हूँ रूम के बाहर। हम्पी घूमने के लिए आपके पास दो से तीन ऑप्शन होते हैं, या तो आप बाइसाइकिल जो है वो रेंट कर सकते हो, या बाइक, या ऑटो, या जो नज़दीक नज़दीक है वो बाय वॉकिंग भी आप कर सकते हो कवर। अगर आप यहाँ पे बाइसाइकिल रेंट करते हो तो उसके लिए आपको पे करना होता है 100 से 200 रुपये। अगर बाइक करते हो तो बाइक के लिए आपको देना पड़ता है 400 से 500 रुपये। और अगर ऑटो करते हो तो ऑटो के लिए आपको देना पड़ता है 800 रुपये तक रेंट। तो अगर आप ग्रुप में आते हो तो आपको ऑटो इज़ बेस्ट। यह है एक शिला नंदी, जो मतलब एक ही पत्थर होता है ना, अखंड, एक ही पत्थर से ये मूर्ति बनाई गई है। अगर आप पहली बार हम्पी आते हो तो आप एक गाइड जो है वो ज़रूर है करना, क्योंकि थोड़ा बहुत तो समझ में आ जाता है, बट अगर आप गाइड लेते हो तो आपको जो अच्छे से पूरी तरह से जो जानकारी मिलेगी यहाँ पे। ये उस टाइम का जो गोल्ड बाज़ार है, यहाँ पे गोल्ड बेचा जाता था। मैं आपको हर एक जगह के बारे में जो है थोड़ा शॉर्ट्स में बताऊंगा। अगर हम डिटेल्स में बात करेंगे तो हमें 2-3 दिन भी कम पड़ जाएंगे इस जगह को जानने के लिए। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे जो रात में सब लाइट्स लगते हैं, जो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरे लाइट्स है। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो प्लेस देखा है वहाँ पे जो लाइट्स लगाए हुए थे वाइट कलरफुल लाइट्स, वो लाइट्स जो है वो बस जब फेस्टिवल होता है हम्पी फेस्टिवल, आई थिंक नवंबर या दिसंबर में, तब वो लाइट जो लगाए जाते हैं हर रात को। मैंने वो दीपांशु भाई का ब्लॉग देखा था, उसमें वो कहते थे मैं जब हम्पी आता हूँ तो मुझे शोले की फीलिंग आती है। सच में यार, मुझे भी शोले की फीलिंग आती है। ये पीछे जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ देख के, अरे ओ सांबा। ये जो टेंपल देख रहे हो आप मेरे सामने, ये है विरूपक्ष टेंपल। मैं उसी के बाजू में रुका हूँ, जो मेरा गेस्ट हाउस है उसी के बाजू में। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर कैमरा नहीं लेके जा सकते हो आप। गेट है, गेट से कर रहे हैं हम एंट्री गणेश मंदिर के लिए। यहाँ पे है गणेश जी की मूर्ति। अभी आप ये जो देख रहे हो मेरे पीछे, ये बाज़ार हुआ करता था उस टाइम का, जिसका नाम है कृष्ण बाज़ार। ये थी उस टाइम की दान पेटी। ये था वो बाज़ार, छोटे छोटे स्टॉल्स बनाए गए। एग्जैक्ट उसी के सामने ये कृष्ण मंदिर। मैं बीच बीच में ऐसे जो फ़ोटो डालता रहूँगा ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। वीडियो पॉज करके आप पढ़ लो जो कुछ लिखा है। अभी फ़िलहाल मैं आया हूँ ऑफ सीज़न, तो टूरिस्ट काफ़ी कम है यहाँ पे। अगर आप नवंबर या दिसंबर में आते हो तो काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, और मज़ा भी काफ़ी आता है क्योंकि तब हम्पी फेस्टिवल रहता है। और ये है वीर नरसिम्हा लक्ष्मी टेम्पल, नरसिम्हा जी का जो है टेम्पल है ये। ये जो टेम्पल है इसे नरसिम्हा लक्ष्मी टेम्पल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मूर्ति तब पहले थी तो यहाँ पे लक्ष्मी जी साथ में थी नरसिम्हा जी के। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मूर्ति में जो लक्ष्मी जी है वो खंडित हो चुकी है, बस उनका दाहिना हाथ ही बचा है। अभी ये जो टेम्पल आप लोग देख रहे हो इसका नाम है बड़वेलिंग मंदिर, शिव जी का लिंग है अंदर।
ये मूर्ति अखंड शिल्प से तैयार की गई है, काफ़ी सुंदर है। तो आप देख सकते हो ये जो नीचे है ये उस काल की लंच प्लेट है। मतलब डाइनिंग टेबल बोल सकते हो आप इसको। और बीच में से था ये था कैनल, इसमें से पानी जो है फ्लो होता था। फाइनली मैंने जो है ऑटो रेंट किया है और अभी हम जा रहे हैं किष्किंधा। आपका नाम क्या है भैया? विजय। अच्छा आप यहीं से हो क्या प्रॉपर? हम भी से ही हो। तो विजय भैया लेके जा रहे हैं हमें अभी किष्किंधा। ये जो एरिया है इस एरिया का नाम है अंबेडकर चौक। यहाँ पे भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं लॉजिंग एंड बोर्डिंग के, रेस्टोरेंट्स भी है यहाँ पे। ये पेट्रोल स्टेशन, अगर आप बाइक रेंट करते हो तो यहाँ से आपको जो पेट्रोल फिल करना पड़ेगा। आप करते हैं ना? वो आता है। जो फॉरेनर प्रॉपर टूरिस्ट थे वो अभी बंद हो गए। नदी के उस साइड पे, हिप्पी आइलैंड के उस साइड पे। तो अभी मतलब उधर पब्लिक ज़्यादा रहती है क्या इधर? Fabricated. What is wrong? What is my problem? How can I get out of this world that I created? Fighting the storms in my head. Don't know where I have been. I'm alone. No one to turn to. No one understands. वो जो ऊपर है वो ही है हनुमान जी का टेम्पल। हनुमान जी का जन्म स्थान भी माना जाता है। यहाँ भी जो गेस्ट हाउस के जैसे बनाए गए हैं, तो आप इस साइड पे रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो। ये बैलेंस रॉक है दोस्तों, हार्ट के आकार में है और ये छोटे से पत्थर पे टिका हुआ है। ओके काफी मजा आ रहा है गाइस। पानी काफी ठंडा है। ये मुझे वहाँ तक लेके जाएंगे कॉर्नर तक और पूरा घुमा के लेके आएंगे वापस। ये पानी कितना गहरा है? बहुत गहरा है क्या? क्या मौसम है यार, मस्त। ये इधर भी लेके क्या आगे? आगे भी उधर पानी आता है। उधर से आता है क्या पानी? इधर पानी इधर जाता। अच्छा तो ये सानापुर लेके अगर आप कभी आते हो तो आप भी यहाँ पे ये राइड एंजॉय कर सकते हो। अभी ये पानी उधर जा रहा है ना? अभी उधर जा। तो अभी आपको इजी जाएगा थोड़ा।
आते टाइम थोड़ा मेहनत करना पड़ता है ना, उधर से आते टाइम थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है ना, जाते टाइम इजी। उधर इजी, हाँ वाटर का फ्लो उधर देख सकते हो आप, कितना मस्त लग रहा है मेरे पीछे का व्यू जो है। अभी वो कैनल जो है, कैनल के दरवाजे जो है ओपन है, इसलिए पानी का फ्लो उस तरफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है क्योंकि फ्लो जो है पूरा उस साइड पे है पानी का, और हमें जाना है उसी के बाजू में। अगर ताकत नहीं लगाई तो हम सीधा जाएंगे वो कैनल के जो डोर है उधर। जो आप लोग देख रहे हो यह है सनपुर लेक, पत्थरों के बीच में नीला नीला पानी, काफी सुंदर लग रहा है। और अभी हमने जो बोट राइड की थी वो इस पानी में की थी। अभी हमें इसी रोड से आगे जाना है, किष्किंधा के लिए हमें इसी रोड से जाना है आगे, तो चलो चलते, लेट्स गो। नीचे जो ये राइस की खेती है, चावल की, काफी सुंदर लग रहा है यार। सो गाइस दिस इज सनपुर विलेज। पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा पब्लिक रहती थी, ये पुराना ब्रिज है। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं जो हनुमान टेम्पल है वहाँ पे। जूस है, ₹20 फॉर वन ग्लास गन्ने का जूस, बहुत ज़रूरी है। मिडल तक पहुंच चुके हम, थोड़ा सा बाकी। मुझे सुबह जल्दी आना चाहिए था यार यहाँ पे, ये धूप की वजह से जल्दी थक जाते हैं। वो तुंगभद्रा रिवर, ये है हम्पी का जो बाजार है वो दिख रहा है यहाँ से। वहाँ जाना है ऊपर,
दर्शन अभी हो चुका है। इधर सेल्फी पॉइंट जैसा कुछ बना है, जिनके पास फालतू टाइम ही वो सब करते हैं। A few minutes later, मस्ती हो रहा है पीछे से। व्यू तो काफी अच्छा है ऊपर। अभी चलते हैं नीचे, तो पानी पी लेता हूँ यार, बोतल नीचे भूल के आ गया मैं ऑटो में। जैसे कि आपने ये सुना होगा रामायण में, जो शबरी थे उन्होंने जूठे बेर जो है राम जी को खिलाए थे, क्योंकि अगर बेर खट्टे हो तो वो राम जी को ना जाए, इसके लिए उन्होंने फर्स्ट टेस्ट करके फिर वो बेर राम जी को दे दे। ये राम जी के पादुका है, राम भगवान के। सो गाइस, ये है शबरी गुफा। यहाँ पे उन्होंने वेट किया था राम जी का, और यही पे जो है बेर दिए थे राम जी को। अभी हमें दुर्गा माता मंदिर, यहाँ से ऊपर जाना है हमें दुर्गा माता टेंपल के लिए। जय माता दी, दुर्गा माता मंदिर। सो गाइस, अभी पहुंच चुके शूज अच्छा चाहता है ऊपर। ओके, तो यहाँ से ऊपर है और पहुंच चुके हैं दुर्गा माता मंदिर। वाली गुफा, ये रास्ता था उस गुफा में जाने के लिए। गुफा के लिए रास्ता ये बंद है अभी, तो यहाँ के ये महाराज है सब, इन लोगों का कहना है कि वो जो गुफा है वो बंद कर दी गई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पे चीता है, तो किसी को आगे जाने नहीं देते। तो चलो यहीं से चलते वापस। सो गाइस, अभी वापस से जा रहा हूँ रूम पे। काफ़ी अच्छा लगा, भैया ने काफ़ी घुमाया हमें, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिली। आप इधर से जा रहे हो क्या अभी? नहीं, घर पे नहीं। ठीक है, मैं चल जाऊंगा ना वॉकिंग। अच्छा, तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं गेस्ट हाउस में। आपको नंबर देंगे तुमको, तुमको आदमी का सभी आएंगे, हम देख सकते हैं किस किंदा हम की तुमको चाहे तो हमको कॉल कर। इतने कुठले कुठले प्लेस भेटते शिमोगला गेल्यावर जवळपास एक मिळते। हां हां, ॲक्च्युली कर्नाटकात आहे, लेकिन इंडियन लँग्वेज मराठी लँग्वेज काफी अच्छी आहे, उन्होंने एक दो प्लेस मुझे सजेस्ट किए। एक छोटा दोस्त मिला है हमें बस में, मधु नाम है, आई गेस।